14 क्वेश्चन करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का। यहाँ पे कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने मल्टीपल ऑफ 4 जो हैं, या फिर ये कहूँ कि 10 से लेकर 250 तक 4 की टेबल में आने वाले कितने नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मैनी यहाँ पे पूछता है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि 10 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर होता है जो कि आपका 4 से डिवाइड हो जाता है या 4 की टेबल में आता है, तो वो पहला नंबर होता है 12। ठीक है, 11 डिवाइड नहीं होता, दूसरा होगा 16, फिर ऐसे चलते रहेंगे। अब हमें पता करना है कि कौन सा लास्ट टर्म है 250 से पहले जो कि 2 की टेबल मतलब जो 4 की टेबल में आ जाता हो। ठीक है, तो वो होता है अपना 248। ठीक है, ओके, तो अब ये एक एपी बन गया है ना, तो हमारा ए जो है वो 12 है और डी जो है वो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 है। लास्ट टर्म हमें दे रखा है, हमें एन फाइंड करना है। हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, अब वैल्यू रखते हैं एल की जगह पे, एल की वैल्यू ए की जगह पे 12, एन तो हमें पता नहीं है, डी की जगह पे वैल्यू रखो डी की जो 4 है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आके एन माइनस 1 4, अब यहाँ पे इसे माइनस करो, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 2, तो n माइनस 1 4, अब ये 4 डिवाइड में ले जाओ तो n माइनस 1 2 3 6 अपॉन में 4, तो ये आएगा अपना कितना 49, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 49 और माइनस 1 इस तरफ आके प्लस, सॉरी ये शायद 59 आएगा ये, और फिर इस तरफ ये 59 है, ये माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 और n इज इक्वल्स टू 60, तो ये आ गई अपनी वैल्यू। तो मतलब कि 10 से लेकर 250 तक 60 ऐसे नंबर होते हैं जो कि क्या अपना 4 से 4 की टेबल में आता है या 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है,